केंद्र सरकार के नए नियम का हो रहा है भारी विरोध। 10 साल की सजा और 7 लाख का भुगतान नए कानून में प्रावधान से वाहन चालकों में केंद्र सरकार के खिलाफ उफान रोर रोष व्याप्त है। इस नए नियम को वापस लेने की मांग भी इस वक्त की गई है। अब नए नियम के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है और ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और फाइन भी लगेगा। इस कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हरियाणा, दिल्ली, MP, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया है। गृह मंत्री अमित शाह से मांग हो रही है कि इस कानून के प्रावधान को नरम करें। ट्रक ड्राइवर ही नहीं बल्कि टैक्सी ऑटो चालक भी इस नियम से परेशान है। बता दें कि यह कानून निजी वाहन चालकों पर समान रूप से लागू होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बदलाव कर वाहन चालकों के लिए नए नियम का प्रावधान कर बदलाव किया है। जो कानून बनाया वह वाहन चालकों के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है, जिसके खिलाफ पारशिवनी शहर में मंगलवार की सुबह छोटे बड़े वाहन चालकों पर इस कानून का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। वहीं बुधवार को इस कानून के खिलाफ शिवाजी चौक पर रास्ता रोको आंदोलन कर विरोध किया जाने वाला है, जिसमें शहर के ज्यादातर वाहन चालक इस आंदोलन में शामिल होंगे। इस कानून के खिलाफ विरोध प्रकट कर कानून को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की जाने वाली है। जबकि सोमवार से ही बड़े वाहन चालक संगठना की ओर से कानून के विरोध में अपने वाहन रस्ते पर खड़े कर विरोध किया जा रहा है, जिसकी वजह से माल की ढुलाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। वहीं पेट्रोल डीजल के टैंकर पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचने से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मिलना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, जहां पेट्रोल भरवाने के लिए मोटरसाइकिल और छोटे वाहन चालकों ने भी भारी भीड़, लंबी कतारें सुबह से ही पेट्रोल पर लगी हुई है। जबकि पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध नहीं होने से आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को भटकना पड़ सकता है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो आम आदमी को भारी दिक्कतों और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। वह स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए मुसीबतें पैदा हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेने की मांग सभी की ओर से की जा रही है। कल केंद्र सरकार ने वाहन चालकों का जो नियम करने वाला होता जो पारित नियम पास करता है, तो नियम वाहन चालकांच्या दृष्टीने जाचक असल्याने या वाहन चालकावर अन्याय केलेला आहे असं या वाहन चालकांना वाटतं। त्यामुळे हा जो नियम आहे की जर ॲक्सिडेंट झाला तर वाहन चालकावर 7 लाख रुपये दंड आणि 10 वर्ष शिक्षा या नियमाविरुद्धामध्ये प्रत्येक वाहन चालकांनी या नियमाचे विरोध केला असून या नियमाला तत्काळ बदलण्यात यावं या दृष्टीने प्रत्येक जागी आंदोलन होत आहे। मात्र या भीतीपुढी की जर स्ट्राईक असल्याने जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल मिळालं नाही तर आपले वाहन थांबतील किंवा आपले कोणते कार थांबतील, त्यामुळे आज आपण पाहू शकता पेट्रोल पंपावर मोठ्या प्रमाणात अशी गर्दी झालेली आहे, जेणेकरून आपापले टँक्स हे वाहन चालक म्हणजे पेट्रोल टाकतात, जेणेकरून कुठली परिस्थिती उद्भवली तर आपल्याला पेट्रोल ची कमतरता भासू नये। मात्र या पेट्रोल पंपावर आजच्या पुरतं एवढं पेट्रोल आहे की आज फक्त वाटप होऊ शकते, उद्या या पेट्रोल पंपावर टँकर आला नाही तर इथे पेट्रोल पंप पूर्णपणे बंद होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शासनाने किंवा केंद्र शासनाने जो नियम केलेला आहे या नियमाला तात्काळ बदलण्यात यावं, याकरिता शहरामध्ये आंदोलन होत आहे, चक्काजाम होत आहे, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। आपण पाहू शकता किती हजारो वाहने या पेट्रोल भरण्यासाठी आलेले आहेत, मग त्यांना पेट्रोल मिळेल की नाही मिळेल अशी शंका निर्माण झाली आहे। त्यामुळे लगेचच या शासनाने हा नियम बदलावा अशी मागणी होत आहे। मी रुपेश खंडारे, VCN न्यूज, पारशिवनी। पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।